जर्नलिस्ट सुरेश को जिले भर के पत्रकारों ने दी श्रद्धांजलि। यूपी के सीतापुर में पत्रकारिता के क्षेत्र में अपने कैमरे के माध्यम से समाज के सामने सच्चाई पेश करने वाले वीडियो जर्नलिस्ट सुरेश के निधन पर बुधवार को जिले के सैकड़ों पत्रकारों ने एक शोक सभा कर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान उपजा के जिला अध्यक्ष महेश अग्रवाल ने स्वर्गीय सुरेश के साथ बिताए गए पलों को साथ ही पत्रकारों के साथ साझा किया। शोक सभा में वरिष्ठ पत्रकारों एवं विभिन्न संगठनों के पदाधिकारियों ने स्वर्गीय सुरेश को आर्थिक सहायता दिए जाने की बात की तथा उनके बच्चों की पढ़ाई आगे भी जारी करने की बात हुई है। जिले के बाद वरिष्ठ पत्रकार आशीष वाजपेयी ने बच्चों की पढ़ाई का जिम्मा लेकर मानवता की मिसाल पेश की है। यही नहीं, व्यापारी एवं समाज सेवी मुकेश अग्रवाल ने बच्चों की इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई का जिम्मा लिया है। इसके अलावा जिले भर के पत्रकारों ने उनके परिवार को सहायता दिए जाने की बात कही है। बड़े गौर से सुन रहा था जमाना, तो भी सो गए दास्तां कहते शायद ये पंक्तियां हमारे साथी सहयोगी ही नहीं बल्कि हमारे परिवार के सदस्य सुरेश सिंह जी पर। हम लोगों ने प्रयास करके उसमें हमारे आशु वाजपेयी जी का बहुत बड़ा योगदान रहा था। मुख्यमंत्री सहायता कोष से भी सहायता दिलाई गई थी। इसमें मेरा यह सुझाव जो हरिराम जी और मुकेश जी दोनों को जोड़ता है, मैं कहना चाहूंगा कि चुनाव आचार संहिता के बाद मुख्यमंत्री कोष से सहायता निश्चित रूप से करा ली जाएगी। इसमें मैं भी अपने तरफ से सरकार के पास जाकर के जितने भी प्रयास है वे सब कर लूंगा और इसमें ज्यादा समय भी नहीं लगता है और ये पैसा तत्काल रिलीज हो जाता है। लेकिन आचार संहिता होने के कारण ये काम चुनाव के बाद संभव होगा। इसमें मेरा एक सुझाव है कि जो सहायता राशि मुख्यमंत्री कोष से मिलेगी वह राशि उनकी बेटी के नाम एक FD के तौर पर करा दी जाए। सीतापुर की मीडिया के लिए बहुत ही दर्दनाक क्षण रहा, जब हर दिल अजीब सदाबहार मुस्कुराता चेहरा गत 15 वर्षों से सीतापुर में मीडिया के क्षेत्र में अपनी अलग पहचान रखने वाले वीडियो जर्नलिस्ट भाई सुरेश का असमय निधन की हम सभी को सूचना मिली। उनके निधन की खबर ने हम सभी पत्रकारों को सतर्क कर दिया। कोई भी विश्वास नहीं कर पा रहा था कि वह हमेशा हंसता मुस्कुराता चेहरा अब हमारे बीच नहीं है। सीतापुर जैसे एक छोटे शहर की मीडिया में वीडियो जर्नलिस्ट का कार्य कर रहे भाई सुरेश के स्वर्गवास के बाद उनका परिवार आर्थिक समस्या से न गुजरे, यह विचार हम सभी के मन में है और इस हेतु आज नेहरू सभागार में आयोजित शोक सभा में हम सभी पत्रकार पत्रकार संगठन एवं सामाजिक लोगों ने एकजुट होकर इस हेतु हम अपना अधिकतम प्रयास करें कि उनका परिवार किसी भी आर्थिक समस्या और कठिनाई से न गुजरे, यही उनके प्रति सुरेश भाई के प्रति हम सभी की सच्ची श्रद्धांजलि होगी, यह निर्णय लिया गया।